नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यमी क्रेविंग्स विद आरएनडी। दोस्तों आज संडे है तो मैंने सोचा क्यों ना कोई स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए जो काफ़ी लोगों को बेहद पसंद है। तो दोस्तों आज के रेसिपी का नाम है साबूदाने की खिचड़ी। दोस्तों ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने 2 कप साबूदाना, जिसको कल रात मैंने लगभग 1 मिनट तक रनिंग वाटर के नीचे धो के लिया था और फिर एक्सेस पानी निकाल कर पतीली में यूं ही छोड़ दिया था, जिसके कारण अब साबूदाना अच्छे से फूल चुका है। दोस्तों ध्यान रहे, हमें साबूदाने को पानी में भिगो के नहीं रखना, अगर आप भिगो के रखते हो तो आपकी रेसिपी बिगड़ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मैंने लिया है 3 से 4 टेबलस्पून मूँगफली का पाउडर, आप साबुत मूंगफली भी यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने 2 कच्चे आलू को छोटे छोटे पीसेस में काट कर नमक के पानी में भिगो के रखा है। नमक के पानी में भी हमें इसलिए भिगो के रखना चाहिए ताकि आलू काले न पड़ जाए। फिर मैंने 4 हरी मिर्च ली है, इसके अलावा हमें लगेगा 1/2 नींबू, 1/2 टीस्पून शक्कर, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा, 2 से 3 टेबलस्पून घी और मैंने 2 से 3 टेबलस्पून नारियल को कद्दूकस करके लिया हुआ है और मैंने कुछ धनिया पत्ते लिए हैं जिसको मैंने चॉप करके लिया हुआ है। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों जो आलू के टुकड़े मैंने नमक के पानी में भिगो के रखे थे उसे अब मैंने अलग से रिंस करके ले लिया है और मैंने हरी मिर्च को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम एक नॉनस्टिक फ्राई पैन लेंगे और गैस को मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। फिर हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और जैसे ही घी गर्म होता है हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने चॉप किया हुआ हरा मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम कच्चा आलू ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ लोग बॉइल्ड आलू यूज़ करना पसंद करते हैं, बट इट्स अप टू यू, बॉइल्ड आलू से बनी हुई खिचड़ी भी काफ़ी अच्छी लगती है। दोस्तों अब हम 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों ध्यान रहे, आलू को पकने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है क्योंकि हमने कच्चे आलू लिए हुए हैं, तो हमें अच्छे से चलाते रहना है। अब हम पैन को लिड से ढक देंगे और लगभग 6 से 7 मिनट तक आलू को पकने देंगे। हम छुरी के सहारे आलू को पियर्स करके चेक कर सकते हैं कि आलू पक चुके हैं या नहीं। अगर छुरी आसानी से आलू में पियर्स हो जाती है इसका मतलब है आलू पक चुके हैं, नहीं तो आपको थोड़ी देर और इंतज़ार करना पड़ेगा और आलू को अच्छे से पकाना पड़ेगा। दोस्तों 6 से 7 मिनट अब हो चुके हैं, हमारे आलू अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें साबूदाना ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें चलाते रहना है। ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए। दोस्तों अब हम 1/2 टीस्पून शक्कर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम 4 टेबलस्पून मूंगफली का पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें बार बार सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करते रहना है ताकि खिचड़ी का टेस्ट अच्छा हो जाए। अब हम 1/2 नींबू का रस निचोड़ लेंगे।
अच्छे से मिक्स करते रहना है और गैस को हमने लो फ्लेम पर रखा हुआ है। अब हम धनिया पत्ता और कद्दूकस किया हुआ नारियल ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, बन गई अपनी साबूदाने की खिचड़ी। है ना ये रेसिपी काफ़ी आसान? तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक देना ना भूलिए। अगर आपको ये वीडियो और ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन दबाना ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दोस्तों, एंजॉय योर साबूदाने की खिचड़ी एंड कीप वॉचिंग यमी क्रेविंग्स विथ आर एंड डी। थैंक यू सो मच।